वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम PGT, TGT, PRT एंड अदर्स पोस्ट देखेंगे जो कि रिलायंस स्कूल से आई हुई है। टीचर्स वैकेंसी एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है और इसमें अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अप्लाई करने के लिए इसमें कोई भी फ़ी नहीं लगेगी आपकी और साथ में आपका जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो पूरी वैकेंसी देखेंगे डिटेल में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर डिटेल में आप सारी चीज़ें देख सकेंगे कि क्या एनवायरनमेंट है स्कूल का, किस तरीके से यहाँ पे जो है टीचर्स काम करते हैं, उनको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ईजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएँगे इसके होम पेज पर, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको वैकेंसी शो होगी। ये डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की है, जिसमें कोपर खेरने न्यू मुंबई की ये वैकेंसी है कोपर खेरना करके। और यहाँ पे असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के साथ आपका BEd होना चाहिए और साथ ही में 5 to 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो है वो प्री प्राइमरी की है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन विद ECCED या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट PRT मदर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, जो कि क्लास 1 to 4 के लिए है और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट विद BEd है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। TGT टीचर के लिए इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन एंड BEd होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया हुआ है TGT टीचर के लिए। PGT टीचर के लिए भी सेम है, ऑल सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका BEd होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। एक्टिविटी टीचर्स के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा के लिए है, जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट। योगा टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट विद या फिर ग्रेजुएट हैं आप और डिप्लोमा आपने योगा में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एडुकेटर के लिए है रिक्रूटमेंट, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट विद BEd होना चाहिए और साथ ही में स्पेशल एडुकेशन में आपका RCI सर्टिफिकेशन होना चाहिए। करियर काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें काउंसलिंग का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए। लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जिसमें लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट IT मैनेजर के लिए है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और साथ ही में यहाँ पे 5 to 7 years का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। HR मैनेजर के लिए भी 5 to 7 years का एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए HR में। मैनेजर असिस्टेंट के लिए है, सॉरी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूटमेंट है, इसमें भी 5 to 7 years के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी PRT टीचर, प्री प्राइमरी, PPRT, PRT, TGT एंड PGT के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 to 7 years का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी दिया है, कम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज ऑन द लाइंस ऑफ 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है ये आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट पर जब आप आएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, यहीं पर आपको मेल आईडी भी दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पर आप जब ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको करियर्स में मिलेगा, यहीं पर ऊपर आप देख सकते हैं टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन के लिए, यहाँ पे क्लिक हेयर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन होकर के आएगा, देन आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और भी वैकेंसीज हैं,
जैसे सेक्रेटरी के लिए रिक्रूटमेंट है, ग्रेजुएट विथ 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट पोस्ट के लिए। अकाउंट्स एंड असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है जिसमें बीकॉम एमकॉम विथ 2 to 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसे भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है, तो एक बार हम इसे फॉर्म को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म ओपन होकर के आएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या अटैच करना है। यहाँ पे आपको जो है रिज्यूमे अटैच करना है, कैप्चा फिल करना है, और पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, करंट सैलरी डिटेल्स एंड प्रोफेशनल रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें डिटेल्स जब आप फिल कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंड पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है चूज़ फाइल करके। कितने MB का है ये तो नहीं है, बट जब आप अपलोड करेंगे तो मे बी हो सकता है ऑप्शन आए यहाँ पे। और ये सारी जैसे एजुकेशनल डिटेल्स में आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे, आपका एजुकेशन क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस, एड्रेस डिटेल्स देखिए आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करना है। करंट सैलरी का अगर आपका है कोई एक्सपीरियंस और सैलरी स्लिप है तो इसमें ज़रूर फिल करिए। प्रोफेशनल रेफरेंसेस आपको यहाँ पे फिल करना है अगर आप कोई है आपका तो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना जो लेटेस्ट CV है यहाँ पे अटैच करनी होगी, एंड देन आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देना होगा। रीसेट का भी यहाँ पे ऑप्शन है एंड सबमिट का भी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कहीं भी आपको, मैंने पूरा फॉर्म ओपन करके दिखाया, कहीं भी आपको जो है फ़ी सबमिट नहीं करनी है, तो यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो TGT, PGT, PRT की अगर मैं PGT की बात करूँ तो 70 to 75 अराउंड सैलरी बनेगी, PGT की 30 to 35 सैलरी बनेगी, PRT की सॉरी। हाँ, तो इस तरीके से सैलरी डिटेल्स होंगी, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और उसकी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ये वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बताया, कोपर खैरना न्यू मुंबई की वैकेंसी है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की, काफ़ी रेपुटेटेड स्कूल है, इसको मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी की ये जो है स्कूल है, फाउंड किया हुआ है। तो इसके अलावा आपको वीडियो में शेयर की गई किसी भी क्वेरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।